देख सकते हैं हमारे पास में आ चुका है फ्लिपकार्ट तरफ से प्रोडक्ट, और ये देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोडक्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या मिला है और कैसा है। मेन क्वालिटी देखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं और रिस्क होता है थोड़ा ऑनलाइन में इस चीज़ों का, तो उसी वजह से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ताकि देख लिया जाए कि कैसा प्रोडक्ट है। पैकेजिंग तो अच्छी है, बस अब प्रोडक्ट देखना है कि वो भी अच्छा रहे तो ठीक रहेगा। देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से पैकेज किया गया, पैक किया गया इसको। तो फटाफट से इस जो बोरी है इसको हम फाड़ लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि कैसा है प्रोडक्ट। डबल पैकेजिंग है, फर्स्ट पैकेजिंग मैं अभी काट रहा हूँ, इसके अंदर भी एक पैकेज है देख सकते हैं आप। तो ये पहला मेरा निकल गया यहाँ से, इसके बाद एक और पैक है तो उसको भी हम निकालते हैं देखते हैं। फर्स्ट तो अभी निकला, देख सकते हैं बोरी है पूरी। ये अनबॉक्स करने का पूरा तरीका ही अलग है इसका, तो लगभग खुल गया। अब ये रहा दूसरा बॉक्स इसका, इसको भी अनबॉक्स करते हैं देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट। तो लगभग तो खुल ही गया है अब। देख सकते हैं ये रहा प्रोडक्ट, इसमें से एक जो है ये थैला ही फटा हुआ है। तो ये चीज़ है, मतलब इसका जो डंबल बनाया गया है इसमें अंदर मिट्टी भरी गई है और इसकी एक जो मिट्टी का सिस्टम है ना वो फट गया है। आप सीधा देख सकते हैं 25 kg वाला फटा हुआ है, तो ये सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया कि फटा हुआ है, मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा या तो रिटर्न, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये फटा हुआ है। बाकी चेक करते हैं, क्योंकि बाकी तो ठीक है। इन्होंने प्लास्टिक का बना के इसके अंदर वजन करने के लिए रेत भरा हुआ है, अब मिट्टी वाला रेत है जो भी है तो है इसके अंदर, बाकी सब तो लग रहा है ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक है, एक फटा हुआ मिल गया, ये है फिर ये है, बड़े बड़े वाले भी हैं, सब सही है, बस एक ही दिक्कत है और भी सब सही ही है। हाँ ये भी सही है, ये बड़ा वाला भी सही, हाँ सही है। फिर ये दिया गया है हाथ उंगली सही करने के लिए, ऐसे करना है। इसके बाद से स्पिन करने के मतलब कूदने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये रहे इसके राड जिसमें लगाना है इसको है, और ये है जो छोटे छोटे में लगा करके आप दोनों साइड में लगा करके उठा सकते हैं डंबल को। और दूसरा रहा यहाँ पर इसका जो लॉक वाला है वो शायद गायब इसमें से है, पता नहीं कि हाँ ये वाला दोनों साइड में लगता है, ये इसमें नहीं है। अब क्यों नहीं है पता नहीं, कहीं गिर गया होगा या है ही नहीं पता नहीं चल रहा उसका। बाकी सब तो ठीक है, तो इसके वजह से रिफंड करना रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ ख़राब निकल गई। बाकी प्रोडक्ट तो सही है, ऑनलाइन मंगाना थोड़ा सा वही रहता है, देख करके लेंगे आप तो बेटर रहता है, ख़राब मिल सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, 50 kg का है, प्राइस मुझे पड़ी है लगभग 4000 मतलब 4000 के आसपास प्राइस थी, लेकिन मुझे पड़ा है 1900 का। ये ऑफ़र था तो ऑफ़र मैंने ले लिया, लेकिन नुकसान भी यहाँ पर गड़बड़ भी है ये भी बात है, बाकी सब तो ठीक है। चलिए तो बस ये था अनबॉक्सिंग जीम के प्रोडक्ट का, लेकिन ख़राब मिल गया एक्चुअली। हाँ ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, ऑफलाइन में सही रहेगा लेकिन ऑफलाइन में महंगा भी पड़ेगा। हाँ ऑफलाइन में एक बात और है कि ये जो राड रहेगा ना सब, ये सब मेटल के रहेंगे। यहाँ पर क्या है, ये है हार्ड फाइबर और इसके अंदर भरा गया है रेत मिट्टी, तो ये दिक्कत है। आपको सीधा दिख जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए एक बार, ये है, हाँ ये रेत ही है, तो ये इसमें भरा गया है, मतलब सब में वही है, एक ही सेम आइटम इस तरीके का। तो ये भर करके इसको बनाया गया, देख सकते हैं आप, भर करके बस पैक कर दिया गया और इसका वज़न दे दिया गया 25 किलो। अब वज़न भी चेक करना पड़ेगा, एक हाथ का ग्लव्स भी यहाँ पर है, और हाँ बस यही है, एक बैग आता है वो बैग शायद नहीं मिला इसमें, और ये है, ये ग्लव्स है, एक मिनट, ये वाला ग्लव्स वाला है, तो ये क्या दिया गया था, अच्छा ये बैग है इनका, ये बैग है, इसमें पैक वैक करने के लिए सब थोड़ा बहुत सामान, क्या बैग कहाँ गया, यही बैग है, इतना छोटा बैग पता नहीं कैसे दिए हैं लोग। एक बार इसको हम खोलते हैं, दिखाया गया उसमें तो बड़ा बड़ा बैग, अच्छा ये ऐसा बैग है, मतलब कहीं जाना होगा तो इसमें लेकर जा सकते हैं, ऐसा बैग दिया गया, ये बस बैग है, यहाँ पर पीछे बना दिया गया है कि जिम का है ये, बस और कुछ नहीं है। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय। रखते हैं, प्रोडक्ट बेकार मिल गया ये तो बात है कन्फर्म, ओके।